बस एक नाम ही काफी है, एक जीएसटी टैक्स पेयर के बिजनेस की पूरी जन्म कुंडली निकालने के लिए। आज से पहले जीएसटी पोर्टल पर ये सभी चीजें पेन के बेस पर निकाली जाती थी, बट अब पेन को छोड़िए, अब तो सिर्फ एक नाम ही काफी है। नाम से आप एक जीएसटी टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर पता लगा सकते हैं, उसकी फर्म का नाम पता लगा सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी जो जीएसटी का नंबर रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कब हुआ था इसका भी पता लगा सकते हैं। उसकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो उसने जीएसटी R1 और 3B में कंप्लीटली पे कर दी है या नहीं की, और साथ ही साथ उसकी जो रिटर्न भरने की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। देखिए और बने रहिए। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंटेंट्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना YouTube चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स सी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले इस पार्टी का नाम हमें पता लग गया, उसके बाद इसका जो जुडिशियल एड्रेस है ये कहां का है ये हमें पता लग गया, यहां पर इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, कब इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ था। साथ ही साथ हम देखें तो हमें यहां पता लगता है कि इसने क्या HSN कोड यूज किए हुए हैं, और अगर हम थोड़ा और नीचे आए तो पता लगता है कि इसकी जो शो फाइलिंग टेबल है इसमें शो हो जाता है कि इसने अपनी GSTR3B कंप्लीट फाइल की हुई है और GSTR1 भी कंप्लीट टाइम से फाइल की हुई है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये रिटेल बिजनेस है या होलसेल बिजनेस है, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस भी पता लग जाता है। साथ ही साथ इसकी जो लायबिलिटी है उसकी परसेंटेज भी पता लग जाती है कि कितने परसेंट इसने अपनी लायबिलिटी पे की है। तो चलिए देखते हैं, देखिए इसने कौन कौन से साल में कौन कौन से क्वार्टर की अपनी टैक्स की लायबिलिटी को पे किया हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है 21-22 जनवरी से मार्च की जो लायबिलिटी है वो इसकी बनती नहीं थी, इसकी जो लायबिलिटी बनती थी वो जुलाई से सितंबर में बनती थी 21-22 में, वो इसने 100% पे की हुई है। 21-22 में ही अप्रैल से जून की जो लायबिलिटी बनती थी वो भी इसने 100% पे की हुई है। पहले ये फीचर नहीं था, जीएसटी पोर्टल पर अब ये फीचर आ चुका है। अब जिसके साथ बिजनेस करना चाहते हो आपको उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है कि वो अपनी 100% लायबिलिटी को पे करता है या नहीं करता, टाइम से रिटर्न फाइल करता है या नहीं करता, तो इन सभी चीजों को आप यहां से पता लगा सकते हैं। अब ये देखिए शो रिटर्न फ्रीक्वेंसी, फाइलिंग फ्रीक्वेंसी जो है यहां क्लिक कीजिए, यहां पर आपको पता लगेगा ये क्वार्टरली फाइल करता है या मंथली फाइल करता है, और यहां साथ ही साथ फाइलिंग फ्रीक्वेंसी प्रीवियस ईयर की भी पता लगा सकते हैं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यहां क्लिक करेंगे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में भी सेम फ्रीक्वेंसी थी क्वार्टरली, और यहां है ये अब करंट फाइनेंशियल ईयर, यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर करंट फाइनेंशियल ईयर में भी इसकी सेम फ्रीक्वेंसी थी रिटर्न फाइल करने की। तो इतना सब कुछ आपको पता लगता है मात्र एक नाम से। अब इसे कैसे सर्च करना है, आइए चलते हैं आपको बताते हैं कि कैसे पता लगाना है। सबसे पहले आप गूगल में जाइए, गूगल में जाने के बाद यहां पर मात्र एक नाम लिखना है आपको। मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कहां से ओपन होगा, इसमें आप गूगल में आइए, गूगल में आने के बाद यहां पर आप टाइप कीजिए नो योर जीएसटी, यहां पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे आइए, यहां पर लिखा हुआ है knowyourgst.com, इस पर क्लिक कीजिए इस लिंक पर। उसके बाद यहां पर कोई भी एक नाम डाल दीजिए जिसके बारे में आपको पता लगाना है, तो मैं यहां पर एक नाम डाल देता हूं और इसे सर्च करता हूं। यहां पर सर्च करने के बाद नीचे उस नाम से रिलेटेड काफी सारे कंपनियां आ चुकी हैं, काफी सारी कंपनीज आ गई है, मैं किसी एक पर क्लिक करता हूं। ठीक है, तो किसी भी एक पर आप क्लिक करेंगे काफी सारे आ चुके हैं यहां पर नाम, तो जो भी नाम यहां पर आपको चाहिए मैंने यहां पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहां पर ये नीचे डिटेल आ गई। देखिए फर्म का नाम, उसका एड्रेस, उसका पिन कोड, वो किस टाइप की फर्म है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, वो सामने आ गया। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, और डिपार्टमेंट उसका कौन से वार्ड में है वो भी पता लग गया। नेचर ऑफ बिजनेस किस टाइप का है, रिटेल, होलसेल, मैन्युफैक्चरिंग, वो भी पता लग गया। रजिस्ट्रेशन की डेट भी पता लग गई। मैंने यहां से हमें जीएसटी नंबर पता लग गया कि ये जीएसटी नंबर है। अब उसके बाद मैंने इसको कॉपी किया, यहां से कॉपी करने के बाद इसे हम चलते हैं जीएसटी पोर्टल पर। अब जीएसटी पोर्टल पर जैसे ही मैं आया, यहां पर आप देखिए सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए अपने जीएसटी नंबर से, मतलब अपने जीएसटी लॉगिन कर लिए, ना भी कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम देखिए सर्च टैक्स पेयर पर यहां आएंगे और यहां पर सर्च जीएसटीएन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर हम
क्लिक करेंगे इसमें और पेस्ट कर देंगे जीएसटी नंबर को। यहां पर हम फटाफट से कैप्चा डालेंगे, सर्च करेंगे। उसके बाद देखिए फर्म का नाम आ चुका है, पूरी डिटेल आ चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एचएसएन कोड क्या यूज किए जा रहे हैं सब आ चुका है। तो इस तरह से देखिए इसमें थोड़ी सी कम डिटेल आई क्योंकि ये मैंने लॉगिन नहीं किया था। अगर मैं अपने जीएसटी से एक बार लॉगिन कर लूं और लॉगिन करने के बाद फिर सर्च करूं, देखिए ये मैंने लेके बाद सर्च किया है, तो मैंने पहले अपना खुद का लॉगिन किया फिर उसको सर्च किया, सर्च करने के बाद फिर ये मुझे ज्यादा डिटेल दिखाएगा, फिर तो लाइबिलिटी भी शो कर देगा कि ये पार्टी की जो लाइबिलिटीज हैं वो 100% पेड हैं या नहीं। ठीक है जी, तो आप खुद का लॉगिन कीजिए पहले जीएसटी और आईडी पासवर्ड डाल करके अपना, उसके बाद सर्च कीजिए तो आपको ज्यादा डिटेल दिखाएगा। अगर आप खुद का आईडी पासवर्ड डालकर सर्च नहीं करते, जस्ट पोर्टल पर जाकर के पैन नंबर ये जीएसटी नंबर डाल के सर्च करते हैं तो आपको थोड़ी कम डिटेल मिलेगी, लेकिन आपको डिटेल 101% मिल जाएगी, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी तो आपको एटलीस्ट मिल ही जाएगी। और इतनी इंफॉर्मेशन काफी है एक बिजनेसमैन के साथ, किसी न्यू बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करने से पहले उसकी थोड़ी सी इंक्वायरी करना जरूरी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत जल्द मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी और मुझे पूरा विश्वास है आपने वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके अपने YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए, अपना प्रेम प्यार बनाए रखने के लिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।